Assalamualaikum janab, Allah Ta'ala ke naam se start karte hain, the family lecture number 3, and in today's lecture we will discuss about the functionalist perspective related to the family. Agar aap logon ko functionalist ke baare mein nahi pata, to bhai sabse pehle to aap functionalist ke baare mein previous videos ke through janne ki koshish karein. इसके बाद इस अप्लाइड पर्सपेक्टिव की तरफ आइएगा ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हो. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू फैमिली. तो जनाब आज ही क्लास के अंदर अगर मैं बुक से देखूं, क्रिस लाइविजी की बुक के साथ लेके चलूं, तो मुझे नज़र आता है ये टॉपिक दरअसल 3.1 कंसिडर किया जाएगा बुक की सेटिंग्स के हिसाब से. और मैं कोशिश करूँगा आज के इस टॉपिक के अंदर कुछ पुरानी चीज़ों को भी डिस्कस कर सकूँ. तो जनाब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, हम अपने लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, बस छोटा सा स्टार्ट करेंगे. देखिए याद रखें, हमारे पास फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ जहन में रखिएगा, फंक्शनलिस्ट हमेशा दे विल डेफिनेटली सपोर्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस. ये सोशल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करेंगे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जनाब. तो हमारे पास ये सोशल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट क्यों करते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज हाईलाइट द फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस. हम जब फंक्शनलिस्ट की बात करते हैं तो हम जरा सा अपने आप को थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं कि जनाब हमने कौन कौन से टॉपिक्स को फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में स्टडी करना है. सबसे पहले हमने मर्डॉक को स्टडी करना है. मर्डॉक के हमारे पास दो कोर एरियाज हैं. सबसे पहले हमने मर्डॉक की डेफिनेशन को डिस्कस करना है, उसकी इवैल्यूएशन की बात करनी है जो हम पहले कर चुके हैं. उसके बाद हमें मर्डॉक के फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स की बात करनी है. ठीक है जी, ये हमारे पास कोर एरिया है. बहुत सी चीज़ें इसके अलावा भी हैं मर्डॉक की, लेकिन अभी हम फिलहाल इन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे. इसके बाद हमारे पास पार्सन्स एंड बेल्स आ जाते हैं. देखिए ये जो मैं स्लाइड बना रहा हूँ, ये स्लाइड आपको बड़ी हेल्प करेगी रिवीजन के वक्त, पर्टिकुलरली आपको ये तमाम चीज़ें मेमोराइज करने में हेल्प हो जाएगी कि यार ये चीज़ें मुझे याद होनी चाहिए. इन्होंने पार्सन्स एंड बेल्स ने बेसिक और इररिड्यूसिबल फंक्शंस दिए थे फैमिली के. वो क्या थे वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. थर्ड पे हमारे पास फ्लेचर आ जाते हैं. सही है, फ्लेचर ने दरअसल हमें कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस में डिफरेंस दिया है. सही है, फ्लेचर ने कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस का डिफरेंस बताया था. ठीक है, फिर हमारे पास इसके बाद हॉर्विट्स आ जाते हैं. हॉर्विट्स ने फैमिली के माइक्रो टू मैक्रो रोल की बात की है कि इंसान को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो सिचुएशंस. ठीक है जी, ये हमारे पास फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से फंक्शनलिस्ट आइडियाज हैं. इसके अलावा भी फंक्शनलिस्ट आइडियाज हैं हमारे पास, फिट थीसिस है पार्सन्स एंड गोडे का, लेकिन वो फैमिली स्ट्रक्चर के हवाले से ज्यादा फोकस करता है, वो फंक्शंस पे बात नहीं करता. तो हम उसको हम नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे इन तमाम थॉट्स एंड थ्योरीज को डिस्कस कर सकें. चलें जनाब सबसे पहले हम मर्डॉक की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं.
हमने पहले अपनी से पहली वाली क्लास में भी डिस्कस किया था मर्डॉक को। एक बार जल्दी से रिकैप करके आगे बढ़ते हैं ताकि जिनको थोड़ा सा रिवाइज करना है उनका रिवाइज भी हो जाए। भाई मर्डॉक ने सबसे पहले उसने क्या कहा, मर्डॉक डेफिनेशन ऑफ द फैमिली। मर्डॉक ने कहा बहुत सिंपल सी चीज है, एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस सेक्सेस लिविंग टुगेदर having socially approved sexual relationship, having socially approved sexual relationship having kids kids own or adopted having economic provision। ठीक है जी, देखिए जी एक बात जहन में रखिएगा, जो आर्गुमेंट्स मैं इसको इवैल्यूएट करने के लिए यूज करूंगा वो आर्गुमेंट्स, वो सेम आर्गुमेंट्स इनफैक्ट मैं दूसरे थ्योरिस्ट को, दूसरे फंक्शनल्स को भी इवैल्यूएट करने के लिए यूज कर सकता हूं। ठीक है जी, अब बहुत ही सिंपल सी बात है, हम इसके सामने इवैल्यूएशन बिल्ड करते हैं इसकी। हमें कहा गया एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, यानी कि भाई सिंपल सी बात है मर्डॉक की जो डेफिनेशन है वो सिंगल पेरेंट फैमिली को डिस्कस नहीं करती, सही है। सिंगल पेरेंट फैमिली के बाद दूसरी चीज, इसने होमोसेक्सुअल फैमिलीज की बात नहीं की, सही है, इसने होमोसेक्सुअल फैमिलीज की बात नहीं की। ठीक है, तो आप इसके ऊपर भी इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। दूसरी चीज, इसने कहा लिविंग टुगेदर, भाई बहुत सिंपल सी बात है, इसने सोशलाइजेशन के फंक्शन की बात की है। आप बोलोगे लैट रिलेशनशिप्स की बात कर सकते हो, लिविंग अपार्ट टुगेदर, अब लैट रिलेशनशिप्स बढ़ क्यों रही हैं, आप बात कर सकते हो लैट रिलेशनशिप्स के बढ़ने की पहली वजह एजुकेशन हो सकती है कि लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए एक दूसरे से दूर रहते हैं। दूसरी वजह आपके पास इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं कि इकोनॉमिक एलिमेंट्स की वजह से भी लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एम्प्टी नेस्ट फैमिली की भी बात आ सकती है कि भाई अब चूंकि लिविंग टुगेदर की बात कर रहे हैं कि फैमिली साथ रह रही है, तो एम्प्टी नेस्ट फैमिली के अंदर क्या होता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो कबूतर की तरह बाहर निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं, सही है, तो वो खाली जगह रहती है, खाली घोंसला रह जाती है वो फैमिली, तो उसको हम एम्प्टी नेस्ट फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, कुछ सोशियोलॉजिस्ट का जो मानना है वो ये है कि मर्डॉक का मतलब यहाँ पे लिविंग टुगेदर का मतलब बोथ सेक्सेस की बात कर रहे हैं, यानी कि मेल फीमेल के साथ रहने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि अच्छा अब देखो मर्डॉक को आप बोलोगे कि भाई ये मोनोगमस रिलेशनशिप की बात कर रहा है, मोनोगमी की बात कर रहा है। ठीक है जी, फिर अगर हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं, आगे कहता है हैविंग सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो हम कहेंगे भाई आज की दुनिया के अंदर सोशल अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, तो बट आप बोलेंगे बर्थ्स आउटसाइड द मैरिजेस हो रही हैं, बर्थ्स आउटसाइड द मैरिजेस हो रही हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत ज्यादा कोहैबिटेशन एग्जिस्ट करता है। कोहैबिटेशन का मतलब क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप, यू आर लिविंग विद समवन विदाउट एनी मैरिज। एक्चुअल में इसने कहा था कि भाई सोशल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो इस बात को आप अपोज कर सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो इस चीज को अपोज करती हैं। दूसरी चीज, पूरी दुनिया में अबॉर्शन बहुत बढ़ गया है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर कॉन्ट्रसेप्शन बहुत अवेलेबल हैं,
जैसे कॉन्टरसेप्शन में क्या आ जाता है, आपकी एंटी प्रेगनेंसी पिल्स आ जाती हैं, कॉन्डम्स आ जाते हैं, ये तमाम चीज़ें वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भाई जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो मैरिज से बाहर निकल कर भी अब डिस्कस किया जा रहा है, मैरिज के अलावा या मैरिज से पहले भी एग्जिस्ट चीज़ें करती हैं। इसके अलावा आप इसमें एक और चीज़ बात कर सकते हैं, वो है टीनेज प्रेगनेंसीज की। ठीक है, टीनेज प्रेगनेंसीज को भी आप डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर, जो कि आपकी सोशल अप्रूवल से बाहर है चीज़। फिर आते हैं हम हैविंग किड्स ओन और अडॉप्टेड की बात की जाती है, तो दुनिया के अंदर चाइल्ड फ्री एटीट्यूड बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, किड्स जरूरी नहीं है, सही है, बिकॉज इसके अलावा क्योंकि किड्स जो हैं आप कह सकते हैं कि कंजम्पशन ओरिएंटेड फैमिली है। क्या है बेटा? कंजम्पशन ओरिएंटेड फैमिली है। फैमिली का काम है पैसों को खर्च करना। ठीक है, तो लोग जो हैं बच्चों से अवॉइड करते हैं। ठीक है, अगेन फिर वो आप अबॉर्शन और कॉन्ट्रासेप्शन वाला पॉइंट दे सकते हैं। हैविंग इकोनॉमिक प्रोविजन, यानी कि फैमिली की जिम्मेदारी है कि वो इकोनॉमिक प्रोविजन बिल्ड करे, तो आप इसमें आप बात करेंगे वेलफेयर स्टेट्स के बारे में कि वेलफेयर स्टेट्स क्या करती हैं। वेलफेयर स्टेट्स सपोर्ट करती हैं स्टाइपेंड्स वगैरह के थ्रू। इसके अलावा आप बोलेंगे इंडिपेंडेंट कल्चर भी बढ़ता जा रहा है, इंडिपेंडेंट कल्चर बहुत ज़्यादा है कि आप अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करो। ठीक है, तो इसकी वजह यह है कि आप इस तरह से मर्डॉक की जो डेफिनेशन है, जो कि फंक्शंस ऑफ फैमिली के हवाले से एग्जिस्ट करती है, उस चीज़ को अपोज करते हैं ये तमाम इवैल्यूएशन आर्गुमेंट्स। ठीक है जी, तो अब इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमारे पास मर्डॉक का आर्गुमेंट बिल्ड होता है किस हवाले से, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स के हवाले से। मर्डॉक अगेन हमारे पास आएंगे, लेकिन अब की बार वो डेफिनेशन के साथ नहीं आएंगे। अब मर्डॉक का जो आर्गुमेंट होगा वो होगा किसके हवाले से, वो होगा फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स के हवाले से। किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर आप कोर्स आउटलाइन उठा के देखें तो आपको प्रीरिक्विजिट्स कोर्सेज नज़र आएंगे। प्रीरिक्विजिट्स कोर्सेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी कोर्स को करने से पहले आपको कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज को पढ़ना ज़रूरी है। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, आप प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़े बगैर आप स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का कोर्स नहीं उठा सकते। तो मर्डॉक का मतलब ये है फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स का कि ये वो चार फंक्शंस हैं, ये वो चार रिक्वायरमेंट्स हैं जो फैमिली के लिए किसी भी हाल में मेंटेन करना ज़रूरी है, अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को कायम रखने के लिए। मर्डॉक के लिए, मर्डॉक कहता है कि ये बात ज़रूरी है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को कायम रखने के लिए अपने इन फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स का ख्याल रखें। ठीक है जी, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, मर्डॉक कहते हैं, मर्डॉक सेक्सुअल कंट्रोल की बात करते हैं। सेक्सुअल कंट्रोल का मतलब है कि भाई इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। मैंने कहा था ना कि जो मैं वहां पर इवैल्यूएशन आर्गुमेंट डिस्कस कर रहा हूं वो आप यहां पर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सेक्सुअल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने के लिए आप बर्थ आउटसाइड द मैरिजेस, पर्टिकुलरली जो मैंने ये वाले आर्गुमेंट बर्थ आउटसाइड द मैरिजेस, कोहैबिटेशन, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, ये सारे आर्गुमेंट्स बिल्ड किए, आप वो सारे आर्गुमेंट सेक्सुअल कंट्रोल को भी इवैल्यूएट करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीडम बिल्ड हो गया है। ठीक है, तो लोग जो हैं, जो सेक्सुअल कंट्रोल का एलिमेंट था, एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप का एलिमेंट था, वो बुरी तरीके से डिक्लाइन का शिकार है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरा आर्गुमेंट आता है वो आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन के हवाले से। एक वक्त था कि फैमिली की जो फेस बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, इसकी वजह मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं जो रेड मार्कर से लिख रहा हूं ना, रेड कलर से, वो सारे इवैल्यूएशन पॉइंट होंगे। ठीक है, एक टाइम था कि प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि फेस टू फेस इंटीमेट सोशलाइजेशन फैमिली का एक बड़ा ही कोई प्राइमरी फंक्शन समझा जाता था कि भाई फैमिली जो है अपने बच्चों को तमाम चीजें सिखाएगी। ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या कि हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सारे दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं, भाई आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मीडिया
बच्चा कार्टून्स देख रहा है, डोरीमोन देख रहा है, तो वो माँ के अलावा डोरीमोन से भी सीख रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो डे केयर सॉल्यूशंस हो गए, आज की दुनिया में बहुत ज्यादा डे केयर, क्योंकि फीमेल का करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, डे केयर सॉल्यूशंस हो गए। इसके अलावा सपोर्ट स्टाफ हो गया, तो बच्चे की प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर पर्टिकुलरली जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट होती है उसके अंदर आप कह सकते हो कि फैमिली के अलावा दूसरे इंस्टीट्यूशन का भी रोल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पुराने दौर के अंदर इतना एक्सपोजर नहीं था लोगों को, तो डेफिनेटली बात है वो इन तमाम सोशल इंस्टीट्यूशन के इम्पैक्ट को स्टडी नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के दौर में चूंकि एक्सपोजर बढ़ गया लोगों का, तो भाई जाहिर सी बात है प्राइमरी सोशलाइजेशन के जो के वक्त जो है पर्टिकुलरली इनिशियली अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन भी अपना वाइटल रोल प्ले करते हैं। फिर हमारे पास जो मर्डॉक थर्ड फंक्शनल प्रीरिक्विजिट डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं भाई रिप्रोडक्शन भी हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बगैर आपकी जो फैमिली है, सोसाइटी है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हैविंग किड्स वाले आर्गुमेंट को अपोज कर दें, इसके थ्रू आप इवेलुएट कर दें कि भाई चाइल्ड फ्री एटीट्यूड है, पुश एंड पुल फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पुल फैक्टर क्या है कि फीमेल्स को अपना फ्रीडम इन्वॉल्व अजीज है, करियर अजीज है, पुश फैक्टर्स क्या है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती बहुत सारी फीमेल्स, तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इस वजह से अफेक्ट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो आप इसको इवेलुएट कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली याद रखिएगा इवेलुएट का मतलब है आप उस चीज़ की लिमिटेशन या क्रॉस कल्चरल डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे, भाई ये चीज़ यहाँ पर भी होती है तो दूसरी चीज़ वहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। फिर हमारे पास चौथा आर्गुमेंट जो आता है इसके पास फंक्शनल प्रीरिक्विजिट में, वो है इकोनॉमिक प्रोविजन, जो कि हम पहले इसकी इवैल्यूएशन को डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक प्रोविजन का इम्पैक्ट क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमने एक शॉर्ट सा फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स के हवाले से डिस्कशन किया, और इस डिस्कशन की इवैल्यूएशन भी हमने पहले भी डिस्कस की हुई, और हम अपने पास हल्का सा रिकैप भी कर लिया कि हम अगर इन फंक्शंस की बात करते हैं जो कि मर्डॉक ने दिए, हम उसको किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है जी। हम एक चीज देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर इज अ लॉस ऑफ फंक्शंस, सही है। फैमिली में क्या हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई तो बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए, फैमिली के लॉस ऑफ फंक्शंस, फैमिली के बहुत सारे फंक्शंस जो थे वो फैमिली के पास से निकल के दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशंस के पास चले गए। अगर मैं बात करूं बहुत सिंपल सी एग्जांपल बिल्ड करूं, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हम क्या देखते थे, बच्चों को एक तरह से क्या दिया जाता था, बच्चे इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल किया करते थे कहां पर, फैमिली में, इनफॉर्मल एजुकेशन। फिर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बिल्ड हो गया, यानी कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने उस चीज की जगह ले ली जो कि पहले फैमिली किया करती थी। इसी वजह से हम कहते हैं द फैमिली वर मल्टी फंक्शनल इन प्री इंडस्ट्रियल एरा। इसके अलावा अगर हम बहुत सिंपल सी बात करें तो पहले दौर में हेल्थ केयर एक फैमिली का फंक्शन था, इनकी जगह हॉस्पिटल्स ने ले ली, समझ में आई बात। So this is a core phenomenon, how the family is losing its functions. बहुत ही सिंपल सी बात है, आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास इसी चीज को स्टडी करते हुए हमारे पास थ्योरी आती है Parsons and Bills की, उसने कहा कि भाई Parsons and Bills ने दरअसल क्या दिया,
पार्सन्स एंड बेल्स ने फैमिली के बेसिक और इररिड्यूसिबल फंक्शंस की बात की कि ये फंक्शंस जो हैं फैमिली से कोई छीन नहीं सकता, ये फैमिली के लिए परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। पहली बात जो उसने पार्सन्स ने कही वो कही कि भाई फैमिली का काम है प्राइमरी सोशलाइजेशन देना, और दूसरा काम है स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी देना। स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी का मतलब यह कि एक इंसान को एक इफेक्टिव ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए उसको सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज से आगाह करना, उसको पता हो कि व्हाट टू डू, ट्रेडिशंस क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं सोसाइटी के, कि एक अफेक्टिव एडल्ट इंडिविजुअल कंसिडर किया जाए, मेच्योर इंडिविजुअल डेवलप हो जाए। ठीक है जी, ये सेम थ्योरी के हिसाब से जैसे मैंने आपको ये समझाया ना कि फैमिली वो मल्टी फंक्शनल और फैमिली के फंक्शन रिड्यूस हो गए, इसी थ्योरी के हिसाब से हमारे पास नेक्स्ट थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है फ्लेचर। फ्लेचर क्या कहते हैं, फैमिली के फंक्शंस को वो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले कहते हैं कोर फंक्शंस, कोर फंक्शंस उसी तरीके से हैं जिसके मुताबिक ओनली बी परफॉर्म बाय द फैमिली, ओनली परफॉर्म बाय दी फैमिली। अब कोर फंक्शंस में क्या आ जाता है, रिप्रोडक्शन आ गया इनके नजदीक, प्राइमरी सोशलाइजेशन आ गया, ठीक है जी। फिर दूसरी कैटेगरी में फॉलन करता है फ्लेचर पेरिफेरल फंक्शंस को, ये वो फंक्शंस हैं विच वर प्रीवियसली परफॉर्म बाय द फैमिली बट नाउ दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द फैमिली बट नाउ दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सिंपल सी बात है, एजुकेशन इज परफॉर्म बाय स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेल्थ लेजर एक्टिविटीज, पहले लेजर एक्टिविटीज क्या थी, फैमिली किया करती थी, अब पेयर ग्रुप आ गया है, मीडिया आ गया है, तो दीज फंक्शंस वर प्रीवियसली परफॉर्म बाय द फैमिली बट नाउ दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस। चलें जी, अब मैं आप लोगों के सामने बुक से रीड करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, मैं वाली स्लाइड खोलूंगा जिसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं यहां पे, और मैं बुक से रीड करूंगा ताकि आप लोगों को और बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले मर्डॉक की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉर्ज मर्डॉक डेवलप अ डेफिनेशन ऑफ द फैमिली बेस्ड ऑन एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम 250 डिफरेंट सोसाइटीज, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि डेटा एनालाइज किया था उन्होंने 250 ह्यूमन सोसाइटीज का, अभी हम आगे जाके स्टडी भी करेंगे। ही कंक्लूडेड दैट द फैमिली वाज अ यूनिवर्सल फैमिली नॉर्म और यूनिवर्सल नॉर्म यू कैन से, नो सोसाइटी हैड एन अल्टरनेटिव टू द फैमिली। हिज डेफिनेशन इन्वॉल्व्स द फैमिली हैविंग फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन रेजिडेंस, लिव इन द सेम होम, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन, एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस एटलीस्ट टू ऑफ होम मेंटेन अ सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप, वन ऑफ मोर चिल्ड्रन ओन और अडॉप्टेड। जो मैंने पूरी डेफिनेशन थी उसको मैंने ब्रेक करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। द फंक्शनल डेफिनेशन इज एक्सक्लूसिव बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट फैमिली हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशल ग्रुप्स सच एज स्कूल्स। दिस डेफिनेशन इज फ्लेक्सिबल इनफ टू अकोमोडेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल्स फैमिली डू नॉट हैव अ मोनोगमस और मोनोगमी द मैरिज ऑफ द मेन विद वुमेन, दे कैन ऑल्सो बी पॉलीगमस
यानी कि सिंपल सी बात, जो मैंने मोनोगेमी वगैरह के बारे में डिस्कस किया था वो आगे मेंशन किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मर्डॉक आइडेंटिफाइड 4 फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स ऑफ द फैमिली, सेक्सुअल कंट्रोल। अब जरा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। सेक्सुअल कंट्रोल इन्वॉल्व द आइडिया दैट एडल्ट मैरिड और कोहैबिटिंग कपल्स डू नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद एनीवन अदर देन देयर करंट पार्टनर, समथिंग दैट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी थ्रू एक्सक्लूसिविटी। स्टेबिलिटी का मतलब है स्टेबल रहेगा फैमिली रिलेशनशिप एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फैमिलीज रिप्रोड्यूसिंग सोसाइटीज बाय क्रिएटिंग न्यू मेंबर्स टू रिप्लेस देम हु डाई, ठीक है जी। फिर सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन बीइंग टॉट वैल्यूज एंड नॉर्म्स सो बिकमिंग अ मेंबर्स ऑफ देयर सोसाइटी। इकोनॉमिक प्रोविजन इन्वॉल्व्स द आइडिया दैट द फैमिलीज हैव टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली ग्रुप एंड इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। इकोनॉमिक प्रोविजन की बात करें, अब अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं भाई, दे मस्ट डेवलप अ डिविजन ऑफ लेबर इन्वॉल्विंग पेड एम्प्लॉयमेंट एंड अनपेड डोमेस्टिक वर्क। यानी कि डिविजन ऑफ लेबर का मतलब है कि एक बंदा घर का काम करेगा और एक बंदा बाहर का काम करेगा, ठीक है। द फैमिली लुक्स आफ्टर मेंबर्स हु कैन नॉट सपोर्ट देमसेल्व्स सच एज यंग चिल्ड्रन, ओल्डर पीपल एंड द सिक वीक पीपल, ठीक है जी। एक बात डेवलप हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। पार्सन्स एंड बेल्स की थ्योरी है। मैंने आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है। Parsons and Bales argued that whereas in the past the family was multifunctional, it has become increasingly specialized in modern societies. The development of new social institutions such as education system meant that families gradually suffered a loss of functions. Parsons believed that these changes were consistent with the family evolution because they left families free to focus on two essential or irreducible functions. जिसको हम कहते हैं, first one is primary socialization. Families are socialization factories whose product is a development of human personalities. This function links to social order and system stability as a way through which new family members come to understand and learn values and norms needed to successfully pay their adult roles. यानी कि आपको सिखाया जा रहा है society के norms वगैरह ताकि आप आगे बढ़ के बेहतर काम कर सकें। फिर होता है हमारे पास the stabilization of adult personalities involve adult family members providing physical and emotional support. Family relationship provide both the motivation for paid work and the emotional and sexual comfort that come from the development of relationship. तो कहता है the stabilization of adult personalities, ये बड़ा important role है कि जिसके अंदर आपको एक stable environment दिया जाए जिसके अंदर आपकी upbringing हो सके। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास next theorist आते हैं Fletcher, ठीक है। Fletcher कहते हैं drew these stands together to by arguing that contemporary families perform two types of functions. Core functions cannot be performed by either individuals working alone or by any other institution. Families are needed for both giving birth to child, childbearing, and bringing up the children. सही है, यानी कि जिसकी मैंने primary socialization का नाम दिया। And bringing up this involves ensuring a child's physical and psychological survival and its social development. A child's natural parents are best suited to this process because they have a personal investment in their child's survival and development. ठीक है जी। Core function वो function जो family के अलावा कोई और perform नहीं कर सकता। फिर कहते हैं peripheral functions are things that will still perform by some families at some times have been taken largely over by other institutions. These include education, healthcare and recreation. यहाँ तक clear हो गया? अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको core functions की बात कर ली है। मर्डॉक, पार्सन्स एंड बेल्स एंड फ्लेचर, ये तीन कोर थ्योरिस्ट आइडियाज हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। हॉर्विट्स एक्चुअल में न्यू फंक्शनलिज्म में आता है और उसके बाद ही हम कुछ लॉस ऑफ फंक्शंस की डिबेट को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।